नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं दशहरा ग्राउंड, रामलीला मैदान। आप देख सकते हैं ये जो पुतले आपको नजर आ रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं। कल दशहरा है, दशहरे के उपलक्ष में कल रावण जलाया जाएगा, जिसको लेकर आज ये अभी पूरी तैयारी चल रही है, इनको खड़ा किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखें, और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और तीनों के पुतले यहाँ हैं। लेकिन इस बार ये जो पुतले आप देख रहे हैं ये बड़े छोटे हैं, पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, सवा सौ फुट, सवा सौ फुट के होते थे, बहुत बड़े होते थे इससे, पर ये इस बार कुछ छोटे लग रहे हैं। और ये देख सकते हैं ऐसे, और इन्हें खड़ा किया जा रहा है, कल रावण दहन होगा। और ये देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, भीड़ पहुँची हुई है यहाँ देखने के लिए दशहरा ग्राउंड में, ये देखें। और यहाँ लोग हैं हमारे साथ जी, क्या कहेंगे, लग गए पुतले? बढ़िया जी, ये तो अच्छी बात है, इससे बच्चों का मनोरंजन होता है। पिछले साल ये लगा नहीं था, बड़ा दुख था बच्चों को, इस बार सबको खुशी आए कि दशहरा का मेला लग रहा है। मेला लग रहा है क्योंकि छोटे बच्चों में ज्यादा वो होता है कि मेले को लेकर। और यहाँ बड़े बड़े झूले नहीं लगे इसमें? नहीं, बड़े झूले नहीं लगे। वो क्यों नहीं लगे हैं? क्योंकि जो सूरज कुंड में जो मेला लग रहा है ना, दिवाली वाला मेला लग रहा है सूरज कुंड में, तो वहाँ वो झूले लगे हुए हैं सारे, इसलिए ये यहाँ झूले नहीं लगे। और यहाँ छोटे झूले लगे हुए हैं, लेकिन देख सकते हैं भीड़ है, और कल तो और भी भीड़ होगी। ये देख रहे हैं पुतले हैं, और ये अभी खड़े किए जाएंगे, तीनों पुतले खड़े किए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं इनके पैर लगाए जा रहे हैं, और ये खड़े किए जा रहे हैं, अभी खड़े हो जाएंगे आज, और कल रावण दहन है, कल रावण को जलाया जाएगा। और फरीदाबाद देख सकते हैं, NIT के दशहरा ग्राउंड से लाइव हैं हम, रामलीला मैदान है, दशहरा ग्राउंड से लाइव हैं। और उस तरफ देखेंगे ये BK की साइड में जो पुतले लगे हैं, और दूसरी साइड जिस साइड ये मॉल है उस तरफ देखेंगे आप, तो आपको झूले नजर आएंगे। आपको दिखाते हैं, अभी जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। और तमाम दुकानें लग गई हैं बाहर, दुकानें लगनी शुरू हो गई, लोगों ने अपनी अपनी दुकानें लगा ली हैं। और ये देखें झूले लग गए, छोटे बच्चों के जितने भी झूले हैं वो सारे झूले लग गए, और घोड़े भी आप देख सकते हैं, लोग घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़े भी यहाँ पहुँच गए हैं, मिक्की माउस भी है। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये धनुषवाण, ये जो मुख्य द्वार है इस दशहरा ग्राउंड का, वो धनुषनुमा बनाया गया है, और उसमें जो बीच में आपको नज़र आ रहा है तीर कमान में लगा दिया गया है, वहाँ हाइड्रा खड़ा है जिसकी सहायता से वो तीर जो है उस धनुष में, आप देख सकते हैं साफ नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये पूरा धनुष बनाया है, राम जी का धनुष बनाया है ये, और इस धनुष में तीर भी लगा दिया है, और ये तैयार हो गया, तीर कमान तैयार हो गया, ये धनुषवाण देख सकते हैं, ये मेन गेट है, मुख्य द्वार है, इस बार कुछ थोड़ा सा अलग है। और ये जो द्वार है ये परमानेंट है, ये परमानेंट ऐसा ही रहेगा हमेशा के लिए, धनुषवाण वाला दरवाज़ा। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ भी यहाँ आपको नज़र आएगी, धीरे धीरे लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, और कल यहाँ आपको पूरी भीड़ देखने को मिलेगी, और जिस तरह हर बार हमेशा होता था दशहरे पर होता था। और देख रहे हैं अभी भी लोग अपने बच्चों को घुमाने ला रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए ला रहे हैं, ये देखें दशहरे से एक दिन पहले का नज़ारा, दशहरा ग्राउंड से लाइव कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं दशहरे के लिए, रावण दहन के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, पुलिस प्रशासन भी यहां मौजूद है। और ये देखें पूरे जितने भी जो झूले लगने थे, छोटे बच्चों के ज़्यादातर झूले हैं, बड़े झूले इस बार नहीं हैं, जितने भी झूले हैं नज़र आएंगे आपको सब छोटे बच्चों के हैं, छोटे बच्चों के झूले लगे हुए हैं। और बाहर मेन रोड पर सारी दुकानें लगनी तैयार हो गई हैं, हालांकि आधे से ज़्यादा दुकानें लग चुकी हैं, और जो बची हैं वो अभी लग रही हैं दुकानें, लोग अपनी तैयारियों में हैं, पूरी तरह से
दशहरे की तैयारी में जुटे हुए हैं लोग। तो फरीदाबाद दशहरे से एक दिन पहले का नज़ारा हमने दशहरा ग्राउंड से आपको लाइव दिखाया, और ये देख सकते हैं अभी तो पुतले, एक पुतला है जिसको खड़ा किया जा रहा है, अभी बाकी दो पुतले और हैं उनको भी खड़ा किया जाएगा। ये तीनों पुतले खड़े किए जाएंगे और कल फिर इनका दहन होगा। कल दशहरा मनेगा और दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ये देख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर आएं और देखें दशहरा, दशहरा ग्राउंड का दशहरा ज़रूर देखें। कल जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।